पाकिस्तान की राजनीति में शुरू हो गया है नया विवाद। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे वहां के राजनीतिक और सैन्य हलकों में हड़कंप मच गया। अलवी के मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट संशोधन विधेयक और पाकिस्तान आर्मी संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, यानी इन कानूनों को लेकर वहां सस्पेंस बन गया है। हालांकि वहां की लॉ मिनिस्ट्री का कहना है कि ये पहले ही कानून का रूप ले चुके हैं। वैसे ये वही कानून है जिनके बूते पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार और सेना इमरान खान समेत उनके समर्थक नेताओं पर शिकंजा कसना चाहती है। पाकिस्तान में इमरान खान के करीबी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैसी की मुश्किल और बढ़ गई। इस्लामाबाद में स्पेशल कोर्ट गठित की गई जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सुनवाई करेगी। जल्द इस मामले में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। इस केस को इमरान की पार्टी पीटीआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इन सबके बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन दौरे पर पहुंचे। अमेरिका दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच विवाद गहरा सकता है। एक तरफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हो गया तो वहीं उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलें दागने की तस्वीरें जारी की। इस टेस्टिंग के दौरान किम जोंग उन भी मौजूद रहे। यूक्रेन को दो और देशों ने बड़ी मदद देने का ऐलान किया। इनमें डेनमार्क और हॉलैंड शामिल हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि उनका देश यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देगा। साथ ही मेटे फ्रेडरिक्सन ने यूक्रेन को और ज्यादा आर्थिक मदद देने की भी बात कही। वहीं हॉलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि उनका देश यूक्रेन में F-16 के संचालन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। अमेरिका में राहत की खबर है कि वहां हिलेरी तूफान कमजोर पड़ गया है। वैसे कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इससे काफी मलबा बहने की तस्वीरें भी सामने आईं।